डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ। यूं तो सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन उनके प्रदेश में एक ऐसा भी तबका है जिन्हें योगी आदित्यनाथ से कोई सहयोग नहीं मिला। जब इस बात की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को लगी तो जज साहब ने यूपी सरकार से इस बाबत जानकारी मांगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो जानकारी दी गई उससे जज साहब कुछ खास प्रभावित नहीं हुए और लगा दी यूपी सरकार की क्लास। दरअसल कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान सरकार की ओर से गरीबों और मजदूरों के लिए मुफ्त राशन वितरण प्रणाली तैयार की गई और जरूरतमंदों को राशन पहुंचाया गया, लेकिन इस स्कीम के तहत सेक्स वर्कर को कोई मदद नहीं पहुंचाई गई। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा दाखिल करने को कहा, लेकिन यूपी सरकार के जवाब से सुप्रीम कोर्ट के जज खफा हो गए और कहा, अभी तक आपने सेक्स वर्कर को चिन्हित भी नहीं किया है, क्या आपने NACO या ऐसी किसी एजेंसी से बात की? आप खुद को वेलफेयर स्टेट कहते हैं, लेकिन 4 हफ्तों में आपने कुछ नहीं किया। 4 हफ्तों में तो सेक्स वर्कर की हालत और खराब हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार पर इस बाबत काम करने और बेहतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। हालांकि एक याचिका तो ये भी दी गई थी कि कोविड-19 महामारी के दौरान सेक्स वर्कर को फाइनेंशियल हेल्प दी जाए, लेकिन जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने कहा था कि कोविड-19 महामारी की अवधि के दौरान यौन कर्मियों को वित्तीय सहायता देने के सवाल के बाद में विचार किया जाएगा, लेकिन पहले उन्हें जिंदा रखने के लिए भोजन तो मिले। लॉकडाउन के दौरान देश भर में सेक्स वर्करों को फ्री सूखा राशन मुहैया कराने के आदेश पर जब किसी भी राज्य सरकार ने खास अमल नहीं किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान आज उत्तर प्रदेश सरकार को इस मामले में जमकर फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से साफ कहा कि 1 महीने में आपने न कोई नई योजना तैयार की है, न हमारे आदेश पर अमल किया है, न कोई ठोस काम आपने किया है, आखिर ऐसा कब तक चलेगा? कोर्ट ने ये कहा कि 4 हफ्ते आपने बिल्कुल चिंता नहीं की कि इन लोगों का खाना पीना कैसे चलेगा, क्या बिना राशन के बिना खाए पिए कोई 4 हफ्ते रह सकता है। कोर्ट ने सख्त आदेश दिया है कि सभी राज्य सरकारें इस मामले में 4 हफ्ते में आदेश पर अमल करके अपनी रिपोर्ट, स्टेटस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपें। कोर्ट ने साफ कहा कि जो सेक्स वर्कर हैं उनके रहन सहन और जीवन को लेकर काफी संघर्ष करना पड़ा है और ये याचिका जब आई है तो कोर्ट ने इस मामले में संज्ञान लिया और कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया है कि वो इस मामले में सभी सेक्स वर्कर्स के बारे में जानकारी जुटाएं और उनको फ्री राशन कैसे मुहैया कराना है इस बारे में योजनाएं बनाएं, योजनाओं पर अमल करें और 4 हफ्ते में सुप्रीम कोर्ट के इस बारे में सूचित करें। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर उत्तर प्रदेश सरकार आई और उत्तर प्रदेश सरकार को अब इस मामले में विशेष हलफनामा देकर ये बताना होगा कि आखिर उन्होंने 4 हफ्ते में क्या क्या किया है, योजनाओं पर कैसे अमल किया है, अपनी तरफ से कोई नई योजना बनाई है या फिर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल करने के लिए उन्होंने कौन कौन सी पहल की है, कौन कौन सा मैकेनिज्म डेवलप किया है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ संजय शर्मा, दिल्ली। डन। मेरी टीम तो तैयार है और आपकी? सेलेक्ट योर टीम ऑन प्ले स्पॉट एंड स्टार्ट प्लेइंग अपना गेम। डाउनलोड द ऐप नाउ।